समस्त जेल सुरक्षा कार्मिकों की तरफ से कि माननीय सरकार तक हमारी इस बात को पहुंचाएं कि जब पूरे भारत के अंदर अन्य पड़ोसी राज्यों में जब जेल और पुलिस का बराबर वेतन है तो राजस्थान में क्यों नहीं है। क्या राजस्थान के जेल मैं आंदोलनरत जेल सुरक्षा कार्मिक विश्वनाथ प्रताप सिंह मीडिया जगत से एक निवेदन करना चाहूँगा समस्त जेल सुरक्षा कार्मिकों की तरफ से कि माननीय सरकार तक हमारी इस बात को पहुँचाएं कि जब पूरे भारत के अंदर अन्य पड़ोसी राज्यों में जब जेल और पुलिस का बराबर वेतन है तो राजस्थान में क्यों नहीं है। क्या राजस्थान के जेल कार्मिक अन्य जेल कार्मिकों से पिछड़े हुए हैं। तो इस बात को फाइनेंस तक और मुख्यमंत्री महोदय तक हमने तो पहुंचा दी, लेकिन मीडिया जगत से मेरा एक विशेष अनुरोध है कि हम इतनी हार्ड ड्यूटी करते हैं, समाज के जितने भी खूंखार और समाज के जितने भी बंदी हैं उनको हम सुरक्षित रखते हैं, लेकिन आज जेल सुरक्षा कार्मिक सुरक्षित नहीं है और 1998 से ये सरकार के भी दिमाग में नहीं आ रही है। और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप इस चीज़ को करें। आखिर जेल का सुरक्षा कार्मिक क्यों बार बार सड़कों पर उतरता है, क्यों उसे इस चीज़ की मतलब वो करनी है? क्या या तो हमारा वोट बैंक नहीं है जेल सुरक्षा कार्मिकों का, या पर सरकार की हमारे देने को मनसा नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब आपने पूरे राजस्थान के कर्मचारियों को OPS जैसा तोहफा देकर पूरे भारत में एक अनूठी पहल जगाई है, तो क्या जेल कर्मचारियों के लिए एक छोटी सी बात है? पूरे राजस्थान के अंदर जेल कर्मचारी नाम मात्र के लोग हैं। एक जिले के अंदर जितनी पुलिस की नफरी होती है 3 से 4 हज़ार की संख्या है, फिर भी पता नहीं क्यों हमेशा 1998 से लेकर आज तक फाइनेंस इस चीज़ में आड़ा आता है, वित्त मंत्रालय में हमारी फाइल वापस रिटर्न हो जाती है और हमेशा अटकाई जाती है। लेकिन मैं आप सभी से इस चीज़ को निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को पुरजोर तरीके से सरकार तक पहुँचाएँ। मैं जेल सुरक्षा कार्मिक विश्वनाथ प्रताप सिंह, हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर।